नाम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसंत रूप सियावर राम चंद्र की जय। जय जय श्री राम के नारों के साथ में आज यहाँ पर भिलाई साक्षी बनने जा रहा है सामूहिक सुंदरकांड का। ऐसा सुंदरकांड जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं, 21,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मिलकर अभी सुंदरकांड करने जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसका संकल्प सांसद विजय बघेल ने लिया था और आज उस संकल्प को वो पूरा करके यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन शुरू होने जा रहा है। 21 पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच में हनुमान जी महाराज जी का रुद्राभिषेक शुरू हुआ है और रुद्राभिषेक के बाद में अब सुंदरकांड के पाठ का आयोजन शुरू होगा। भिलाई में यह पहला आयोजन, भिलाई ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में यह पहला आयोजन है जो इतने सामूहिक रूप में इतनी बड़ी संख्या में लोग मिलकर के सुंदरकांड करने जा रहे हैं। और यहाँ पर न केवल भिलाई दुर्ग बल्कि बालोद, बेमेतरा, नवागढ़ और पूरे मतलब दुर्ग लोकसभा के हर एक छोटे छोटी जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। पूजन से पहले यहाँ पर भजन का दौर शुरू था। हमारे शहर प्रसिद्ध भजन गायक रंजन चतुर्वेदी ने यहाँ पर भजन की प्रस्तुति की थी और भजन के बाद में अब यहाँ पर पूजन का दौर शुरू हो चुका है और एक ब्लॉक बनाया गया और ब्लॉक में सभी श्रद्धालुओं के बैठने की जो व्यवस्था की गई अलग अलग की गई है और हर ब्लॉक में वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। पूरे करीब 10 एकड़ के पंडाल में यहाँ पर 1,000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हैं जो यहाँ पर भक्तों के लिए यहाँ पर भक्तजन जो पहुंचे हुए हैं उनकी यहाँ पर वो पूरी सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं। पानी, सुंदरकांड की किताब, गमछा और सारी चीजें यहाँ पर उपस्थित है और इसके साथ में जब सुंदरकांड का जो पाठ शुरू होगा उसके बाद में यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया गया जिसमें 30,000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है भंडारे का मतलब व्यवस्था रखी गई। 30,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं पीले और केसरी वस्त्र में सब यहाँ पहुँचे हुए हैं सुंदरकांड में शामिल होने के लिए। और शनिवार का दिन है, माना जाता है कि सुंदर इस शनिवार के दिन हनुमान जी के मात्र नाम का उच्चारण करने से ही पुण्य मिलता है और अगर हम सुंदरकांड करते हैं तो उसका अलग ही फल की प्राप्ति होती है। इस पूरे पंडाल में 140 ब्लॉक बनाए गए हैं और 140 ब्लॉक के अलावा बाहर भी व्यवस्था की गई है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा श्रद्धालुओं की पहुंचने का जो दौर है वो भी लगातार दोपहर से शुरू हो चुका था और अभी भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं और पहली बार जो यह आयोजन को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित है। 3 महीने से तैयारी चल रही थी पूरी इस सामूहिक सुंदरकांड की और आप देखिए यहाँ पर हर कोई यहाँ पहुँचा हुआ है और बहुत ज़्यादा भक्तिमय वातावरण एक बोल सकते हैं कि जैसे हमारे राम जन्म पे होता है, हनुमान जी की जयंती होता है और आज ऐसा लग रहा है कि स्वयं भगवान श्री राम माता सीता के साथ हनुमान जी के साथ यहाँ पधारे हुए। कहीं ना कहीं ये जो सारा शहर साक्षी बन रहा है इस बड़े आयोजन का, इस भव्य आयोजन का और इसमें जो और जो सुंदरकांड है अब शुरू होने जा रहा है और प्रभंजन चतुर्वेदी की टीम शुरुआत करने जा रही है। साथ में पंडितों का पूरा दल है और सारे श्रद्धालु मिलकर के यहाँ पर सुंदरकांड का जो है पाठ करने जा रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में राम भक्त पहुंचे हुए, हनुमान भक्त पहुंचे हुए और पीछे देख रहे हैं सेक्टर 6 की महिलाएं हैं और सब पूरी तैयारी से यहाँ पे कई देर पहले से आ चुके हैं और अब इंतजार है सुंदरकांड के प्रारंभ होने का और हम उनसे कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। जब सुंदरकांड प्रारंभ होगा उसके बाद हम बात भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? GMM ग्रुप से, जगन्नाथ मंदिर ओडिया समाज से। ओडिया समाज से तो पहली बार साक्षी बनने जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़े राजस्थल पे हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है और मन शांत भी हो रहा है। बिल्कुल सब बहुत उत्साहित हैं और हमारे साथ और भी कुछ भक्त जुड़ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? भिलाई से आई हूँ, सेक्टर 6 मंदिर से हम लोग जुड़े हैं। हमारे ग्रुप वाले सब आए हैं और पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग को इतने खुशी लग रहे हैं तो क्या बता नहीं पाएंगे। जी हाँ, सब बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। देखिए आप सब अलग अलग महिला मंडली पहुँची हुई है, कुछ हरे रंग के परिधान में हैं, कुछ पीले रंग के परिधान में हैं और सबके मन में श्री राम बसे हुए, श्री हनुमान जी बसे हुए हैं और हम थोड़ा सा अंदर नहीं आ पाएंगे। दीदी थोड़ा सा आप लोग उठ के आ जाइए। आप कौन से ग्रुप से आए हैं? राधे राधे मंडली से। कहाँ से है ये? सेक्टर 6। सेक्टर 6 से हाँ। तो आप लोग भी पाठ करते रहते होंगे अपने सामने? हाँ, हमारे ग्रुप में पाठ करते रहते हैं। हाँ। कैसा लग रहा है, इतनी ज्यादा संख्या में सुंदरकांड होने जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तो आए हैं हम लोग करने के लिए।
जी हाँ, यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्ग महिलाएं सब पहुंची हुई हैं। और आपको हाँ आश्चर्य होगा कि यहाँ पर युवाओं की संख्या भी बड़ी संख्या है, क्योंकि सनातन धर्म से अभी जो हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की आध्यात्म की, तो अभी युवा थोड़ा सा दूर हो गए थे, लेकिन एक ऐसा दौर आया है कि यहाँ पर लोग अब युवा ज़्यादा ज़्यादा आध्यात्म से जुड़ रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ हुआ, 21,000 से लोग ज़्यादा शामिल हुए, राम भक्त यहाँ पर अब तक डटे हुए हैं और 2 नए रिकॉर्ड भी बने हैं। सांसद विजय बघेल का संकल्प जो था वो पूरा हुआ है, और आइए जानते हैं इस संकल्प के पूरे होने के बाद में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। भैया, संकल्प आपका पूरा हुआ है, आज जितनी कामना की थी उससे ज़्यादा लोग पहुँचे हुए हैं, 2 नए रिकॉर्ड बने हैं, क्या मानते हैं? देखिए, ये मेरा अकेले का संकल्प ही था, इसमें सबके संकल्प जुड़े थे, और सामूहिक संकल्प में इतनी ताकत होती है कि रिकॉर्ड बनते ही हैं। मैं तो अकेला कुछ नहीं था, और चूंकि माध्यम मुझे बनाए और साथ ही साथ संयोजक के रूप में मुझे हमारे समिति के साथियों ने ये कार्य दिया, और सब ने मिलकर इसको इतना सफल बना दिए। हमने सोचा भी नहीं था कि ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल होगा, और आज वो हो गया। यहाँ के सभी भक्तजनों ने, हमारे भजन गायक प्रभंजय जी, हमारे जो सुंदरकांड के प्रख्यात यहाँ पे हमने भजन गायक है वो कान्हा जी, उनकी पूरी टीम ने आज वाकई में मिलकर इतिहास रचा है। मैं उसके लिए सबको बधाई देता हूँ, सभी को बधाई, और आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी, बहनों को भी, कि इसकी ऊंचाई को आपने ही आगे बढ़ाई और वो आज रिकॉर्ड बना। हमारे साथ मौजूद है हमारे शहर की शान, छत्तीसगढ़ की पहचान और भिलाई की जान प्रभंजय भैया। प्रभंजय भैया, आज जो सुंदरकांड का पाठ हुआ, एक बड़ा रिकॉर्ड बना है, आपको सुंदरकांड कंठस्थ है क्योंकि आप बाबूजी के साथ बचपन से हनुमान जी की सेवा में रहे हैं, तो आज आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मेरा गायन आज सार्थक हुआ, क्योंकि मैंने अपना जो गायन है वो रामायण की छपाइयों से आरम्भ किया, और सुंदरकांड तो हमारे घर में हर हफ्ते होता है, और इस तरह सामूहिक सुंदरकांड करना और एक रिकॉर्ड बनाना अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभूति है। और माननीय सांसद महोदय की साथ में, उनकी संगत में बैठकर और भिलाई के लोगों के साथ सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करना एक सुखद अनुभूति है, और मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ कि हमारे सांसद जी के नेतृत्व में भिलाई में तो राम राज्य आ गया है। हमारी टीम में लगभग 21 लोग थे, तो शुभ अंक है 21, 21,000 लोग थे, हमारी टीम में भी 21 लोग थे, पुरुष महिला सब मिला के। जी हाँ, 21,000 लोग, 21 गायकों की टीम और 21 पंडितों की टीम, सब कुछ आंकड़ा 21 का, और कुल मिलाकर के ये जो सुंदरकांड सफल रहा, 2 नए रिकॉर्ड बने, पहला रिकॉर्ड सबसे ज्यादा लोग एक ऐसी पोजीशन में, एक दंगल पोजीशन में है, उसका रिकॉर्ड बना है, और दूसरा रिकॉर्ड जो बना है वो सबसे ज्यादा बैठने को जो मैट बांटे गए उसका भी रिकॉर्ड बना है। यहाँ पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो मनीष बिश्नोई है, उन्होंने आकर के यहाँ पर अभी उनके सर्टिफिकेट भी दिए हैं, और लगातार जो है 21,000 लोग जो है शामिल हुए हैं, और ये एक रिकॉर्ड अपने आप में भिलाई में एक नया इतिहास बना है। आप रिपोर्ट देख रहे थे गौकर्ण निषाद के साथ, मैं कोमल धनेश सर अब जाना चाहती हूँ, जय श्री राम। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।